आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक हैं और ये पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए पूरे विश्व भर में एक जंग छेड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनके विषय में और समस्त पत्रकार भाइयों के लिए क्या चाहते हैं और सरकार से उनकी क्या क्या मांगे हैं। सर परिचय की कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एके बिंदुसार, संस्थापक भारतीय मीडिया फाउंडेशन, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन महिला सेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी बहन पूनम गुप्ता जी के आवास पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो यहाँ पर जिला कार्यालय भी है। आज की बैठक में हम लोगों ने काफ़ी मुद्दों पर चर्चा किया, बहुत सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया, संगठन को कैसे लखनऊ में गतिशीलता प्रदान किया जाए। आज जो बैठक थी वह भारतीय मीडिया फाउंडेशन लखनऊ के जिला अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार राजपूत जी के अध्यक्षता में की गई। मैं अपनी बात को आगे और रखूं से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पत्रकार हितों को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के हितों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, और संगठन का जो मुख्य विजन है कि हम पत्रकारों के साथ साथ आम नागरिकों की भी समस्याओं को दमदारी के साथ उठाएंगे, संगठन के मंच के माध्यम से हम लोग उनको न्याय दिलाएंगे, तो मैं उस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज यहाँ पर इस मीटिंग में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ अंसारी साहब जी हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सम्मानित साथी भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आप प्रभारी भी हैं आदरणीय संजय रा साहब, और हमारे बीच में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अश्वनी कुमार सिंह जी मौजूद हैं, और आप देखिए इधर हमारी जो है महिला सेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी बहन पूनम गुप्ता जी हैं, यह मौजूद हैं। तो आज इन तमाम वरिष्ठ साथियों की अध्यक्षता में, नेतृत्व में इस बैठक को संपन्न किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगठन को विस्तार देते हुए हम लोगों ने पूर्वांचल में लखनऊ सहित पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी हम लोगों ने पदाधिकारियों का चयन किया है। कुछ आज साथी जो हमारे राष्ट्रीय और प्रांतीय लेवल पर और इधर लखनऊ ज़िले में बनाए गए हैं, मैं उन लोगों का नाम आपको बताना चाहूँगा। हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, सभी साथियों को आप देख रहे हैं इनका चयन हुआ है। हमारे बीच में नवनिर्वाचित पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय कमेटी में हैं आर के श्रीवास्तव जी जो है हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव बनाए गए हैं, और उत्तर प्रदेश में महिला पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की लड़ाई को लड़ने के उद्देश्य से महिलाओं का नेतृत्व प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष महिला सेल बनाई गई हैं, मौजूद हैं। इसके पहले आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रही हैं, कम समय में इनके कार्य क्षेत्र को देखते हुए प्रमोशन किया गया है। और इसके साथ साथ आजमगढ़ मंडल से धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी को मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया है, और अकबरपुर अंबेडकर नगर से अरविंद जायसवाल जी हैं जिनको तहसील उपाध्यक्ष बनाया गया है अकबरपुर तहसील का। और लखनऊ जिले से सरोजनी नगर तहसील से जो अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज कश्यप जी, यहाँ मौजूद हैं, और लल्लू राम उर्फलाल जी जिन्हें जिला सचिव लखनऊ बनाया गया है, और इसके साथ साथ सौरभ कुमार जो सरोजनी नगर के तहसील सचिव बनाए गए हैं, चंदन पटवा जी जो सरोजनी नगर तहसील के सचिव बनाए गए हैं, और ज्ञान चौरसिया जी को भी सरोजनी नगर तहसील का सचिव मनोनीत किया गया है, और साथ में राजेंद्र कुमार चौरसिया जी को भी
तहसील का सचिव बनाया गया है सुनील मगर का। इस तरह से लखनऊ में जिला कमेटी को मौजूद किया गया है और जिला कमेटी में महिला सेल लखनऊ में नीता बौद्ध जी को जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है और हमारे आशीष यादव जी हैं जो सुनील नगर तहसील सचिव हैं, अंकित कुमार जी हैं जो सुनील नगर तहसील सचिव हैं। इस तरह से हमारे जो है संगठन में सचिव और जो है महिला सेल में और जनरल कमेटी में लोगों को नियुक्ति आज यहाँ पर की गई है और इन साथियों के नेतृत्व में संगठन को लगातार बढ़ाने का एक अभियान चलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगठन का निर्माण 26 जनवरी 2017 को वाराणसी जनपद से किया गया था और आज लगभग 21-22 प्रांतों में संगठन चल रहा है और लगातार हम लोग पत्रकारों को उद्बल के मुद्दे को उठा रहे हैं और जो भी मंच पर अगर आम नागरिक की भी समस्या आती है तो हम लोग उसको भी दमदारी से उठाने का काम करते हैं। और आज पत्रकार बंधुओं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा और देश के उन तमाम पत्रकारों को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर सरकार पत्रकारों पर ध्यान नहीं देगा, पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो रहा है नाना प्रकार से, जो पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, जो इस तरह से पत्रकारों के काम में बाधा उत्पन्न किए जा रहे हैं, अगर इन समस्याओं को सरकार नहीं सुनती है तो भारतीय मीडिया फाउंडेशन आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इसके लिए हम लोग उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में जिन जिन राज्यों में भारतीय मीडिया फाउंडेशन का संगठन है उन राज्यों में हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और हर हाल में पत्रकारों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पत्रकार की जो भूमिका है इस देश के लिए, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो देश की स्वतंत्रता में पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है और पत्रकार की अगर अभिव्यक्ति नहीं होगी तो लोकतंत्र का कोई मायने नहीं है। अगर लोकतंत्र के सिद्धांत को जिंदा रखना है, अगर इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को डेमोक्रेसी को अगर जिंदा रखना है तो पत्रकारों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अभिव्यक्ति की आज़ादी देना अनिवार्य है। इसलिए मैं आखिरी बात कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह से उत्पीड़न हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर हाल में उसका मुकाबला करेंगे।